इंडिया में इसको वो शिवजी के बाल बोलते हाँ बाबा जिमी तो जिमी के ये दोस्त है सारे हाय गुड थैंक यू 2000 फॉर दिस काइंड ऑफ मतलब वीक्स लगाते हैं तो देखिए नीचे भी ये सारा वीक है ना ये सारा वीक है तो कितने लंबे लंबे कितना बारीक बारीकी से कर रहे हैं देखो और ये उनके असली बाल है ओरिजिनल श्री स्वामी समर्थ हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब श्री स्वामी समर्थ आप सबको आज मैं आई हूँ जिमी आपको कुछ लोगों को पता है वो अफ्रीकन है केनियन है वो और मेरा भाई है वो छोटा तो मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि यहाँ के पार्लर्स आपको दिखा दूँ यहाँ पे सलून जितने भी होते हैं ना वो लोग ये हेयर का काम करते हैं मतलब बाल बनाने का काम करते हैं आपको शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पे बहुत मतलब लोगों को अफ्रीकन लोगों को बाल नहीं होते जैसे हमारे इंडियंस के हैं ना वैसे नहीं होते हैं और होते भी है तो बहुत छोटे होते तो बहुत दिन से जिमी खुद बोल रहा था कि तू आ मेरे सलून में उसका नेल सलून है नेल पार्लर है तो वो बोल रहा था मेरे पार्लर में सब कुछ तुम दिखा सकती हो तो उसने मुझे कब का इनवाइट किया है लेकिन आज संडे है संडे के बगैर तो टाइम नहीं मिल पाता तो आज मैं आई हूँ उसके पार्लर में जो कि है यहाँ की एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जिसका नाम है 64 आर्केड मैं दिखा देती हूँ बिल्डिंग ये केन्या का मैप है ठीक है तो ये बिल्डिंग है और ये एंट्री है मैंने जिमी को नीचे ही बुला लिया था क्योंकि मुझे एक्चुअली उसका पार्लर कहाँ है वो पता नहीं था तो उसने बोला तू आ और फिर मैं तुझे पूरा बिल्डिंग घुमाता हूँ लेकिन संडे है इस वजह से बहुत सारी शॉप्स बंद है लेकिन उसका पार्लर खुला है तो मैं जिमी को मिलवाती हूँ जिमी ब्रदर यांगू मेरा छोटा भाई है तो जिमी का सलून सेकंड फ्लोर पे है सेकंड फ्लोर पे है हम चलते हैं आप और बहुत सारे ये सारे जिमी के फ्रेंड ही है सारे जिमी के फ्रेंड्स हैं क्योंकि वो इतना छोटा है जिमी हाउ ओल्ड आर यू 24 साल का ही है लेकिन उसका खुद का ही है सलून है और हो सके तो मैं पूरा बिल्डिंग दिखा दूंगी आपको बिल्डिंग में मोस्टली नेल पार्लर्स है क्योंकि इन लोगों के नेल जो ओरिजिनल नेल्स होते हैं ना वो हमारे जैसे नहीं होते मतलब नेचुरली ग्रो होते वैसे नहीं है इनके सलून इनके नेल्स बहुत छोटे होते तो ये लोग आर्टिफिशियल नेल्स लगाते हैं तो आज जिमी का नेल पार्लर में तो नहीं लेकिन वो बोल रहा था सलोनिस्ट के पास हम जाएंगे और वो लेके आया है मुझे उसके दोस्त के सलून में जहाँ पे अफ्रीकन्स लोगों के बाल बनाते हैं मतलब उनके आर्टिफिशियल बाल वो लोग लगाते हैं वीक्स तो अभी मैं पहुँच गई हूँ मैं पहले बाहर से दिखाती हूँ तो ये है मैं अंदर जाके दिखाती हूँ आपको हाय जिमी तो जिमी के ये दोस्त हैं सारे हाय गुड थैंक यू मैं दिखा देती हूँ पहले पूरा अच्छे से ड्रेडलॉक्स ओके ओके सो दिस इज जेल या दिस इज माय वैक्स ओके वैक्स ओके ओके दैट इज माय बॉस ओके बट ही लुक लाइक बॉस ओनली तो इन लोगों के सलून में तो मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे तो मैं दिख रही हूँ बहुत ही वेल सेटल्ड सलून है बहुत छोटे छोटे सलून भी होते हैं इनके पास जहाँ पे थोड़े सस्ते में चीज़ें हो जाती है तो ये जैसे इंडिया में होता है ना वैसे ही सलून से आप देख सकते हो वो ड्रेडलॉक्स के लिए फेमस है मतलब ये आपको पता है ना ये इंडिया में इसको वो शिवजी के बाल बोलते
बाबा क्या बोलता जटा 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 बोलते हैं इसको ना इंडिया में, लेकिन ये लोग मतलब पर्पजली ऐसे बाल बनाते हैं वो लोग, देखो ऐसे तो इनको ये मतलब ये जो है ना वो नकली है, ये नकली है, नकली बाल है, और जो कि इनको ओरिजिनली इनको बाल नहीं होते या तो कम होते हैं, ठीक है। तो ये तो जिमी अंदर का भी दिखा रहा है, ये उनके प्रोडक्ट्स है जो कि बालों में यूज़ होते हैं, हेयर स्टाइल्स में। तो जैसे इंडिया में सलोन में वो इंडिया वाली मॉडल्स लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पे सलोन में अफ्रीकन मॉडल्स लगाई हुई है देखिए, और इस सारे टाइप के ना बाल ये लोग बनाते हैं, और ये सारे मतलब फेक बाल है जिसको वीग्स बोलते हैं हम, तो वीग्स है ये सारे, सारे के सारे वीग्स है, बारीकी से कर रहे हैं देखो, और ये उनके असली बाल है ओरिजिनल, और उसी का कितने फास्ट यार, सुपर फास्ट। और जैसे कि वो लोग मतलब अभी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनको ना, तो और जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैंने भी पार्लर किया है, मैंने बहुत साल पार्लर चलाया है मुंबई में भी और केन्या में भी, मायरा हुई है, और उसके बाद जैसे लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से मेरा पार्लर का काम थोड़ा कम है, या मैं कह सकती हूँ कि बंद हो किया है मैंने, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ दोनों बच्चे छोटे हैं और बच्चों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया है पार्लर का काम। लेकिन जितने भी मेरे पार्लर से रिलेटेड जो फ्रेंड्स हैं ना, वो इंडिया में ना सब लोग मुझे ये पूछते थे कि अफ्रीकन्स के वो चोटियाँ कैसे होती है बालों में, इतने लंबे बाल होते हैं क्या उनके, तो ऐसी बात नहीं है, उनको इतने ही बाल होते हैं, देखिए इतने होते हैं, या तो किसी किसी के थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, थोड़े ज़्यादा, लेकिन जो चोटियाँ बनाते हैं ना वो बाल उनके असली बाल नहीं होते, वो सारे नकली बाल होते हैं। जैसे इसके देखो ये दिस इज़ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, इनके देखो ये ओरिजिनल बाल है ना, लेकिन ये मामा के जो है ना वो इतने ही है देखो, और उसको वो मतलब उसको वो थोड़ा जेल वैक्स वैक्स लगा के उसको वो बना रही है देखिए, है ना, तो ऐसे बनती है छोटे बड़े जैसी उनको तो जैसे उनको चाहिए डिज़ाइन, मतलब जिस टाइप की हेयर स्टाइल चाहिए ना उस टाइप की बन जाती है, अपने जैसे नहीं ये खुले छोड़ दिए या छोटी बांध ली उतने, ये लोग हर महीने महीने के चार दिन कभी कभी नई नई हेयर स्टाइल बनाते हैं, और हर बार वो नए दिखते हैं, क्योंकि हर बार उनके बाल जो है वो आर्टिफिशियल रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैंने दिखा दिया, और जिमी बोल रहा है कि नेक्स्ट पार्लर चलते हैं जहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा, तो सेकंड पार्लर लेके जा रहे हैं, लेट्स गो। वो बोल रहा है वो पार्लर वो वहाँ पे था जो कि हमने देख लिया, बहुत अच्छे थे सब लोग, वो जो दूसरा लड़का जो वहाँ पे खड़ा था ना, हेलो हाय, इसने मेरे एक बार नेल्स किए थे, यू रिमेंबर मी, तो सब लोग बहुत ही ओके बहुत ही ऐसे सपोर्टिव है, बोल रहे हैं हमारा ले लो, हमारा ले लो वीडियो। तो कितने अच्छे सारे। तो अभी हम दूसरे पार्लर आए जो कि जिमी की फ्रेंड का ही है, तो मैं पहले बाहर से दिखा देती हूँ मतलब ओवरऑल, फिर इन लोग का काम दिखा देती हूँ। ज़्यादा घाई लग रहा है क्या वीडियो में? क्योंकि जिमी मुझे भगा रहा है, पता है बहुत भगा रहा है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसको ड्रेडलॉक्स बोलते हैं, और जो कि हम लोग इंडिया में वो शिवजी के बाल बोलते हैं वैसे, और एक ओरिजिनल बालों में उन्होंने वैक्स लगा के और फिर दूसरा जो वीक है वो लगा के वो लोग कर रहे हैं, और देखिए कितने फास्ट, कितने ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं ना, देखो देखिए बहुत ही फास्ट। फिर हम चलते हैं दूसरे हेयर स्टाइल पे,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा पहले तो गुत्थी निकाल रही है, और देखिए ये पहले के जो पुराने बाल है ना वो है ये, मतलब ओरिजिनल बालों में पुराने बालों की प्लेट्स लगाते हैं वो लोग, मतलब वीक्स लगाते हैं। तो देखिए नीचे भी ये सारा वीक है ना, ये सारा वीक है, तो वो निकाल दिया है उन्होंने, और अब वो लोग दूसरे बाल लगाएंगे इस पे ही, जो वो चूज़ करेंगे। कोई ब्लैक लगाते हैं, कोई ग्रे, कोई भी कलर के बाल, ब्लॉन्ड वगैरह वो लोग चूज़ करके वो लोग लगा सकते हैं। तो ये उनके ओरिजिनल बाल है, और नीचे जो लगाया ना वो आर्टिफिशियल है, तो वो सारा निकाल देंगे वो। हेलो, देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा टोटल एक्चुअल में वो लोग कैसा करते हैं। देखिए ओरिजिनल है, और नीचे वो छोटी बांध रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने फास्ट वो बना रही है, और ये सारा हाथ से बनता है। देखिए हाथ से वो कर रही है फटाफट, देखिए हाथ से कर रही है। तो जितने लोग ऐसे पूछ रहे थे ना जब भी, देखिए कितने फास्ट और यहाँ पे एक क्यूटी पाई है, एकदम क्यूटी पाई, और उसके बाल देखो कितने क्यूटी है। मायरा की फ्रेंड है, मायरा दीपक, दीपक बाबू बग जा जा हाय कर जा। फिर यहाँ पे देखा ना मैंने बोला, जैसे उन्होंने ब्लैक लगाया है, और इन्होंने जैसे ये थोड़ा ब्लॉन्डिश और ब्लैक मिक्सचर लगा रहा है, तो यहाँ पे ये जल लिया है, और ये जल्दी जल्दी उसको दे रही है, और वैसे वैसे वो फटाफट लगा रही है। ने देखा ये उल्टी तरफ से ऐसे चोटी पर, हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, मतलब फ्रंट साइड, तो ये लोग पीछे की तरफ वो कर रहे हैं। देखो कितनी फास्ट है, सुपर फास्ट है ये। देखो इसके खुद के बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बाल लेके बैठी है जो कि नकली है, यहाँ पे भी वही चल रहा है। देखिए, और अगर ये वीक्स नहीं लगाना है ना, तो ये लोग ओरिजिनल बालों की ऐसी ऐसी भी वो करते हैं, मतलब वहीं के वहीं वो लोग छोटी छोटी चोटियाँ डालते हैं। तो देखो ये उसने वीक नहीं लगाया है। भी आप देख सकते हो सेम काम यहाँ पे भी चल रहा है, और ये लोग ना ऐसे सालों से ओ हाँ, ये रोहित की दोस्त है, तो उधर आप देख सकते हो, तो वो आई है, रोहित ने बोला मतलब ये मेरी फ्रेंड है, तो उसके बाल भी देखो। और फिर ये खुले भी रख सकते हैं, आप एक पोनी भी बांध सकते हो उसका, तो ऐसे करके उसको मेंटेन कर सकते हो। ये ड्रेडलॉक्स चल रहे हैं, और आपने देखा वो सुई कौन सी है, कैन आई सी दिस। देखिए ऐसा कुछ टूल है जिससे उसको लॉक कर देते हैं। देखिए तो मैं पूरा एक बार दिखा देती हूँ कैसा है ये पार्लर, और यहाँ पे कंटिन्यू कस्टमर्स आते रहते हैं कंटिन्यू, ये क्योंकि जैसे इंडिया में भी ना फेशियल ब्लीच हेयर कट के लिए जैसा हमारा मतलब कंटिन्यू बिजनेस चालू रहता है पार्लर में, कंटिन्यू कस्टमर्स चालू रहते हैं ना, वैसे ही है यहाँ पे ये चीज़ें मतलब कंपलसरी है, इन लोगों को ये चीज़ें करनी ही करनी है, तो पार्लर में भी बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो ओके 2000 फॉर दिस काइंड ऑफ 500 without treatment. Okay. With treatment, 800. Love. Okay. For a starter, it's 2000. 2000 for the starter. Okay. And this then, kind of they are charging 500 only. 500. Because उसमें ज़्यादा expense नहीं है, तो 500 shilling charge करते हैं वो लोग। Okay, this kind of you are charging.
The charges is 1500. 1500. All of them. But okay. This you buy for yourself. Okay. But the labor is 1500. Okay. तो ये बनाने का सिर्फ 1500 ले रहे हैं और ये चीज़ जो है ना ये the own customers. हाँ तो ये कस्टमर खुद buy करेगा और ये जो करने का है उसका वो 1500 चार्ज कर रहे हैं. सेम लाइक दिस. Where are you going, Jimmy? This kind of place, but it's called Knotless. Okay, Knotless. It has come recently. How much? This is 1500. Okay. तो अगेन शी इज द वन हु बाय दिस. ओके तो उनके चॉइस के हिसाब से वो लोग कलर चूज कर सकते हैं. यहाँ पे आके वो लोग बना लेंगे तो वो लोग सिर्फ मेहनत लेते हैं 1500. ठीक है तो इसका भी वैसे ही सेम है. सेम प्राइस इसका भी है. सेम प्राइस इसका भी है. व्हाई बट द टेक्सचर ऑफ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल डिफरेंट दिस वन. ओके 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 तो इसका 2000 चार्ज करेंगे उसका और इसका उसने बोला 500 चार्ज कर रहे हैं. 500 या ओके. सो ये खुद इतना लंबा है ना मुझे कैमरा ऐसा ऐसा लेना. देखो कितना लंबा है वो. तो सारे चार्जेस उसने बता दिए. यहाँ पे दूसरा क्या होता है हेयर वॉश करके भी कर सकते हैं पूरा. हाँ फिर ये छोटे बच्चों का भी होता है. छोटे छोटे बच्चों का देखिए उसके भी किए रहे उसके भी किए कितने अच्छे 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 लग रहे हैं. तो छोटे बच्चों का भी होता है यहाँ पे और बड़ों का भी होता है. जैसे ये अभी आए हैं और ये सारी गर्ल्स यहाँ पे काम तो इनका बहुत सही चल रहा है एकदम. बहुत अच्छा लग रहा है और वो थोड़ा इंडियन लुक नहीं आ रहा उसका. थोड़ी इंडियन लग रही है ना. कितने लंबे लंबे देखो ये सारी लड़कियां सबके साथ फोटो ले ली. उनको बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे फोटोशूट करना. तो सबके साथ फोटो ले ली है. तो अभी हम चलते हैं. जिमी बाहर वेट कर रहा है तो चलते हैं. अभी देखते हैं वो क्या और दिखाता है. तो चलते हैं बाहर. ओके बाय गर्ल्स. थैंक यू. यू ऑल आर ब्यूटीफुल. थैंक यू. फ्री कर रहा है. ओके थैंक यू. अभी देख लिया आपने. ये है और ये सारे जिमी के दोस्त हैं. और पहली बार ही कोई इंडियन इनके पार्लर में आया होगा तो इतने ओवर एक्साइटेड हो गए थे ना सारे. सबको फोटो निकालना था और सबको ऐसे वीडियो में आना था. और दिव्यांश तो सबका ले लिया है फोटो. बाय बाय बाय. अभी चलते हैं नीचे. और देख जिमी तो वेट कर रहा है. देखो नीचे जिमी वेर इज योर पार्लर. सो इज इट क्लोज. ओके तो जिमी का जो नेल पार्लर है ना वो बोल रहा था मंडे को आके शूट करना. लेकिन मंडे को मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. तो जिमी के पार्लर में तो कभी और दिन आएंगे. लेकिन उसके फ्रेंड्स का मैंने सारा दिखा दिया. थैंक्स टू जिमी मेरा छोटा भाई. We know we are becoming famous now, yeah? Tony also, we are about to become famous. Yes. And we like the mood. Thank you. Thank you. तो सबने बहुत appreciate किया और बहुत supportive है सारे. ये Africans हैं बहुत ज़्यादा supportive है. अगर हम उनको respect देंगे ना तो वो क्यों नहीं देंगे. वो ज़रूर देंगे. तो बहुत सारे लोग shock हो जाते कि शालू तू इतने Africans लोगों से कैसे अटैच है या कैसे वो तुझसे इतने ज़्यादा अच्छे हैं. क्योंकि मैं उनसे अच्छी हूँ. रोहित उनसे अच्छा है तो वो हमसे अच्छे हैं. बस यही है. तो पूरा देखो यहाँ से ऐसे एक मुंबई में ना ऐसी ऐसी चॉल्स होती है ऐसी. तो ये सारे सलून्स है. तो मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ फटाफट व्यू क्योंकि अंदर नहीं जाएंगे वो दो सलून. तो
अच्छा चलो ये बोल रहा है अभी इसका भी थोड़ा सा देख लो। तो ये जिमी की दोस्त है, तो यहाँ पे पूरे ऐसे ही सलोन है हर जगह पे, हर जगह ये ऐसे सलोन है। You can imagine, this is our place now, okay. And we like the moment. तो ये dreadlocks करते plating करते हैं यहाँ पे, और ये पूरा they all are parlors या salons only. Yeah, just so salons. Many of them. Yeah. तो 90% यहाँ पे salons ही है, क्योंकि इन लोगों को वो pleats के बिना और कोई option नहीं है, वो लोग pleats ही करते हैं, और जो कि हमारे यहाँ पे भी पार्लर का बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, बहुत बड़ा ये जो सलोनिस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा उनका हाथ है, क्योंकि औरतें हैं तो सजना संवरना तो छोड़ेंगे नहीं, सेम यहाँ पे है, तो ये प्लीट्स वगैरह का यहाँ पे बहुत चलता है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही कुछ नई जगह पे, जहाँ पे आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियोस ये था कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे वो कैसे करते हैं वो छोटी छोटी चोटियाँ, तो मैंने आज पूरे ब्लॉग में दिखा दिया। किसी और दिन आएंगे, जिमी का भी पार्लर शूट करना है मुझे, जिमी का नेल्स का है, बहुत अच्छा चलता है, ही इज़ वेरी फेमस फॉर नेल आर्टिंग, तो उसका बहुत चलता है, तो एक दिन मैं वो दिखा दूँगी आपको। और बहुत है केन्या में दिखाने लायक बहुत चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे मैं दिखाऊंगी। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, सारे सलूनिस्ट इंडियन के, इंडियन जितने भी हैं और अफ्रीकन छोड़ के बाकी जो बाहर गाँव जितने भी सलूनिस्ट हैं ना, मुझे पता है उनको ये ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि सबको देखना था कि ये लोग चोटियाँ कैसे बनाते और ये क्या ये उनके असली बाल है, तो के वो असली बाल नहीं है, वो सारे वीक्स हैं, और वो कैसे लगाते वो सारा ये ब्लॉग में मैंने बता दिया। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। ये पीछे पीछे आ रहे ये पीछे पीछे आ रहे हैं बार बार, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत सारा सब लोग एक्साइटेड है, और मैं हैप्पी हूँ कि वो लोग हैप्पीली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्था, बाय। सेमा श्री स्वामी समर्थ, श्री श्री स्वामी स्वामी समर्थ समर्थ, अगेन श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, ये मेरे भाई को भी मैंने स्वामी जी का भक्त बना दिया, श्री स्वामी समर्थ, बाय। थैंक यू।